दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपको दिन में क्या क्या चीज़ें कब खानी होगी जिससे कि आपका वज़न तेज़ी से बढ़ जाए, एक महीने में ही आप 7-8 किलो वज़न बढ़ा पाएँ। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखें। इसमें हम आपको पूरा डाइट चार्ट विस्तार से दोस्तों बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपका वज़न कितना है और आपकी हाइट कितनी है, ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं। दोस्तों जो लोग मोटे होते हैं वो वज़न घटाने के बारे में सोचते रहते हैं, और जो लोग पतले होते हैं उनकी परेशानी वज़न बढ़ाने की रहती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मोटे लोग ही अपने वज़न को लेकर परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले लोग जो होते हैं वो भी वज़न को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, और पतले लोग हमेशा लाख कोशिशों के बाद भी अपना वज़न नहीं बढ़ा पाते हैं। अगर आप वज़न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस डाइट चार्ट को एक महीना फॉलो करें, गारंटेड रूप से दोस्तों आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं वज़न बढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या होता है। दोस्तों वज़न बढ़ाने के लिए कैलोरी ज़रूरी होती है। अगर आप अधिक कैलोरी लेते हैं तो वज़न तेज़ी से बढ़ने में आपको मदद मिलती है, साथ ही बॉडी भी स्वस्थ रहती है। आज हम आपको एक ऐसा डाइट चार्ट बताएंगे जिसमें प्रोटीन, कैलोरी, वसा, विटामिन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, यानी कि बुरा वाला वज़न आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो सुबह का भोजन होता है उठने के तुरंत बाद, यानी कि आप सवेरे उठ जाएं उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। दोस्तों आप ये आदत डाल लीजिए कि सुबह उठने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ पोषक पेय पीना है, तभी आप अपना वज़न बढ़ा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठने के तुरंत बाद खाली पेट न रहें, तो आपको मैं ये दो चीज़ें जो बताने वाला हूं उसमें से किसी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सवेरे उठने के तुरंत बाद, यानी कि सुबह 7 से 8 के बीच में आपको लेना है चाय या कैपेचिनो पी सकते हैं, या फिर वसादार दूध जो होता है उसमें आप चीनी डालकर पी लें, या तो चाय कैपेचिनो पी लें या फिर वसादार दूध ले लें और उसमें आप थोड़ी सी चीनी मिलाकर पी सकते हैं। एक गिलास दूध के साथ अगर आप कैपेचिनो बनाते हैं तो आपको 250 कैलोरी तुरंत मिल जाती है, और प्रोटीन भी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आप कैपेचिनो पी सकते हैं या फिर ये दो चीज़ें आप पी लें, दोनों में से एक आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहला भोजन ये हो गया। दूसरा भोजन आपको करना है नाश्ता। चाय या कैपेचिनो के बाद आपको दूसरा भोजन नाश्ता करना है। हमेशा नाश्ता हेवी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके पूरे दिन के कामों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही शरीर में ऊर्जा के स्तर को भी बनाए रखता है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों का आपको सेवन करना होता है नाश्ते में। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो कोशिश करें कि नाश्ता एक भी दिन आप न छोड़ें, क्योंकि यही आपका प्रॉफिट होता है वेट गेन में। आप क्या करें, 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करते हैं तो उसमें आप किसी एक चीज़ को खा सकते हैं, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-4 चीज़ें, ये आप बदल बदल कर भी खा सकते हैं, कोई सी एक चीज़ आपको खानी है। आप पहली चीज़ जो है मक्खन और अंडे या ऑमलेट के साथ 2 मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, या फिर दलिया। इन तीनों में से एक चीज़ आप खा सकते हैं, पहले जो मैंने मक्खन वाली बताई थी, या फिर ये सेकंड नंबर चीज़ में से भी आप किसी एक चीज़ का सेवन कर सकते हैं। अगर आप ये भी ना खा पाएँ तो आप क्या खा सकते हैं, पोहा खा लें, उपमा खा लें, या फिर सब्जियां, दाल या खिचड़ी, इनमें से कोई एक चीज़ आप खा लें, या फिर या ये भी नहीं खा पाएँ तो आप 2 रोटी या 2 भरवा पराठे आप खा सकते हैं, भरवा पराठे आप खा लें। इन चारों पांचों चीज़ों में से दोस्तों कोई एक चीज़ आपको खानी है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है, बाकी आपका पूरा दिन का खाना तो हो ही जाएगा, तो आप एक चीज़ खा लें। तीसरा भोजन जो होता है दोस्तों वो 3-4 घंटे बाद आता है, यानी कि 10 से 11 बजे के बीच आप कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं जो कि आपके बॉडी को पोषण दे, वज़न बढ़ाने में मदद करें। इसमें आप पी सकते हैं या
या तो आप एक गिलास वसादार दूध पी लें या फिर मलाईदार मट्ठा यानी कि छाछ जो होती है मलाई वाली वो आप पी सकते हैं जो कि दही से बनती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक गिलास दूध में 250 ग्राम कैलोरी पाई जाती है, साथ ही इसमें प्रोटीन कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये चीज़ भी अगर आप लेते हैं दूध पी लेते हैं तीसरे नाश्ते में तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। वहीं अगर आप ये न पीकर दही से बना मलाईदार मट्ठा पीते हैं तो आपको कैलोरी के साथ साथ वसा भी मिलती है, आपके शरीर के वज़न बढ़ाने में जो कि बहुत ही मददगार होती है। मट्ठा आप सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन डाइट तो आपकी हो गई नाश्ते के बाद पहले की, अब आ जाते हैं चौथा भोजन के बारे में जो कि दोपहर को आपको खाना है। वज़न बढ़ाने के लिए डाइट का अगला हिस्सा जो है वो दोपहर का भोजन है। दोपहर का भोजन खाने से शरीर में BMR का स्तर बना रहता है। ये आपको करना है 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। आप दोपहर को क्या ले सकते हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो चिकन मछली या फिर मटन खा सकते हैं, या फिर आप दोपहर के भोजन में आप खा सकते हैं 2 चपाती खा लें और उसी के साथ 1 कटोरी चावल ले लें, ठीक है ना। 1 कटोरी दाल ले सकते हैं, दाल मसूर की ले सकते हैं, मूंग की ले सकते हैं या फिर चने की ले सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो 2 टुकड़े चिकन के ले लें, जिसमें मछली अंडे पनीर का 1 टुकड़ा अगर आप शाकाहारी हैं तो, ठीक है ना। मांसाहारी हैं तो आप 2 टुकड़े चिकन के, मछली या फिर अंडा ले सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो अपनी डाइट में आप पनीर का टुकड़ा ज़रूर शामिल कर लें। सलाद में आप ककड़ी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, टमाटर जो भी होता है आप खा सकते हैं, और 1 कटोरी आप दही ले लें, यानी कि आपको चपाती घी लगा कर लेनी है, उसी के साथ आपको 1 कटोरी चावल लेना है, 1 कटोरी आपको कोई सी भी दाल लेनी है, और अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको पनीर का टुकड़ा लेना है, सलाद लेना है और 1 कटोरी आपको दही लेना है, क्योंकि वो आपकी इस डाइट को पचा देगा। अगर आप रोटी खाते हैं तो उसमें आपके शरीर में 200 ग्राम कैलोरी तो आपको मिल जाती है, 1 कप चावल से 150 ग्राम आपको कैलोरी और मिल जाती है। दाल के जो आप कटोरी लेते हैं उसमें 150 ग्राम आपको कैलोरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिल जाता है। और चिकन के टुकड़े जो होते हैं, पनीर का जो आप टुकड़ा खाते हैं, उनके लिए जो पतले लोग हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी होता है। ये जो पनीर है ये नॉन वेज की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, वसा पाई जाती है। पनीर में 265 ग्राम कैलोरी आपको मिल जाती है अगर आप एक बढ़िया टुकड़ा का पनीर खा लेते हैं तो, ठीक है ना। हरी पत्तेदार सब्जियों से आपको विटामिन्स मिल जाते हैं, साथ ही आपके शरीर में खून की कमी वगैरह नहीं होती है, और दही जो होता है ये सब पचाकर आपके वज़न को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये दोपहर का भोजन हो गया। अब हम बात करते हैं शाम के नाश्ते की। ये करना है आपको दोपहर के भोजन से 4-5 घंटे बाद, 5:30 से 6:30 के बीच में आपको शाम का नाश्ता करना है। इसमें आप खा सकते हैं सब्जी या फिर चिकन सूप मक्खन के साथ आप खा सकते हैं, या फिर सैंडविच या मायोनीज खा सकते हैं। आप सारी सब्जियों को मिलाकर सूप बना सकते हैं जो आपके शरीर को पोषक तत्व देता है। चिकन सूप में आपको 100 ग्राम कैलोरी मिल जाती है। सैंडविच, पनीर या फिर ये मायोनीज लेते हैं दोपहर के खाने के बाद तो आपको काफ़ी सारी ऊर्जा मिल जाती है। तो दोपहर के खाने में आपको या तो सब्जी का जो आप मैं बोल रहा हूँ सूप पी सकते हैं, या फिर सैंडविच मायोनीज ये खा सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आप खा लें दोपहर के भोजन के साथ। और सातवां भोजन जो है वो है रात का खाना, जो 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको करना है, वो है डिनर। आप हमेशा डिनर पौष्टिक करें। आप डिनर में वो चीज़ें शामिल करने से बचें जो कि रात को पच ना पाएँ, क्योंकि दोस्तों रात को बॉडी को रिलैक्स करवाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा भारी चीज़ें खाते हैं तो पाचन तंत्र काम करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपको क्या खाना है, जो मैंने आपको लंच में बताया था, जिसमें मैंने आपको चपाती घी लगा कर बताई थी, दही बताया था, पनीर का टुकड़ा बताया था, दाल बताई थी और चावल भी बताया था, तो उसमें से आपको चावल नहीं खाना है। बाकी की चीज़ें आप खा लें, 2 रोटी ऊपर घी लगाकर आप खा लें, उस हिसाब से वो डाइट आपको रात को करनी है। और सोने से पहले आप क्या करें, 1 गिलास गर्म दूध पी लें, सारी थकान उतर जाएगी शरीर में। जो आपके शरीर में जो कमी आई है, जो हम बोलते हैं प्रोटीन की अगर कमी भी है पूरे दिन में, कैल्शियम की कमी भी है, तो भी वो ठीक हो जाती है।
तो दोस्तों ये जो मैं आपको डाइट बताई थी अभी, ये डॉक्टर द्वारा ही दी गई है। काफ़ी बढ़िया डाइट है, आपके शरीर में पोषक तत्व जो होते हैं वो मेंटेन रहेंगे, बढ़िया वाला आपका वजन बढ़ेगा। दोस्तों ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको जल्दी से बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में न आया हो तो पुनः आप इस वीडियो को देख लें, इसमें जो चीज़ें बताई है वो आप नोट डाउन कर लें। ज़्यादा नहीं है आप खा पाएंगे, 8 भोजन ज़्यादा नहीं है, इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें आपको सही ढंग से बताई है। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और आपका वजन और हाइट हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।